Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. अरे यार, अरे अरे यार, ये शर्मा गलत बात है. क्या? बहुत गलत बात है शर्मा. विसिल ब्लोअर की टीम आई हुई है. मुझे बताया तक नहीं यार. ऐसे थोड़ी करते हैं यार, बताना चाहिए. मैं अपना तारुफ करा दूं. ऐसे दामोदर जेठ मलानी. मैं इस मोहल्ले का वर्ल्ड फेमस वकील हूँ. यहाँ पे बस यहीं पे रहता हूँ. वैसे नमस्ते रवि जी, नमस्ते सोनाली जी, नमस्ते सचिन जी. आओ यार, थोड़ा बैठो, बहुत मजा आता है. कमाल के गेस्ट हैं, खुद ही बुला के अपने आप खुद ही बैठ जाते हैं. आपका तो अपना सोफा आपके साथ रहता है हमेशा. क्या आप इधर कैसे आज? नमस्ते नमस्ते नमस्ते. और अंकिता और आशीष, आप दोनों का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. आपकी सारी फिल्में देखी है मैंने. वो तो अभी अभी इंडस्ट्री में आए. तुम बताया करो ना यार. बता दे नहीं. माय बैड. रवि जी, सोनाली जी, सचिन जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. ये मैं सही राह पे जा रहा हूँ. माय बैड. लेकिन वकील साहब, ये हमारा डेब्यू है, मतलब पहली वेब सीरीज कर रहे हैं. और सचिन, कॉन्ग्रेचुलेशन. फिल्में मैंने सारी देखी है. थैंक यू. पर मैं थोड़ा समझ जाऊंगा, मेरी रिसर्च, मेरा होमवर्क थोड़ा सा कम रहा है, क्योंकि कल मैं पार्टी में था. अच्छा. किसकी पार्टी में थे? नहीं, किसी की पार्टी में नहीं था. चुनाव का माहौल चल रहा है ना. तो ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, मैं बहुत डिमांड में रहता हूँ. अच्छा. सब मुझे बुलाते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त में उन्हें नारों की बहुत जरूरत होती है. तो आप नारे लगाते हैं? नहीं नहीं, मैं नारे बेचता हूँ. ये वाले ये वाले है ना. ये नारे मैं बेचता हूँ. और क्या वहां पे अच्छी खासी भीड़ होती है? तो दस के दिन करके भेज देता हूँ. मैं बता रहा हूँ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता टूट सकता है, ये नहीं टूटेंगे. वकील साहब, वेरी स्ट्रॉन्ग. वकील साहब, वो विसल ब्लोअर की प्रमोशन के लिए आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का? आई नो विसल ब्लोअर. मैंने ट्रेलर देखा. माइंड ब्लोअर ट्रेलर. मेरा तो विसिल करने का दिल भी किया. ओ, मजा ही आ गया यार. वैसे एक बात बताइए, कौन से वाले एपिसोड का प्रमोशन करने आया, पहला के दूसरा? कौन से? क्या सारे एपिसोड की प्रमोशन कर रहे हैं उसमें? क्या सारे एक साथ? हाँ? नहीं, गलत बात है. क्यों? यहाँ पे जो 1.5 घंटे की फिल्म होती है लोगों की, उसके लिए हम एक पूरा एपिसोड बनाते हैं. आपके पास तो 9 एपिसोड है. 8-9 घंटे का कंटेंट एक एपिसोड में नहीं है. आप आइए, क्योंकि मुझे दिख भी रहा है कि आपके साथ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सबके सब. आप लोगों को वापस आना होगा. ओके ओके ओके. आपके मुंह में घी शक्कर या जो भी कपिल चाहते हैं, जो भी डाइट का फूड, वो आपके मुंह. पिज्जा बर्गर आई प्रिफर. थोड़ा सा खिला दीजिएगा, मजा आएगा. लेकिन ये आपकी जो ये सीरीज है, मैंने सुना है इसमें कुछ चीटिंग वीटिंग ऐसा हो रहा है ना. मेरे साथ भी है. मेरे को एक वाकया याद आ गया. मेरा एक दोस्त था राहुल, उसकी जगह पे एक बार मैं पेपर देने चला गया था. चीटिंग कर रहे थे आप? मैं चीटिंग नहीं कर रहा था. वो पेपर वाला था ना, वो घरों में पेपर देता था. उसकी जगह पे मैं पेपर देने चला गया. तो वो खुद क्यों नहीं गया पेपर देने? नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे का एग्जाम का पेपर देने गया हुआ था. राहुल बहुत चीटिंग. राहुल इज अ चीटर. राहुल इज अ चीटर. चलता रहता है. पर सोनाली जी, दिल चाहता है. ओ हो. वकील साहब, इतना मुंह ना हिलाया करो, गिर जाएगा नीचे. मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हमेशा से आपका फैन रहा हूँ. दिल जैसा है, किसने बनाई थी ये फिल्म? वो अपना अख्तर लड़का था क्या? अपना फरहान अख्तर. उनका नाम नहीं भूल सकते आप. मैं फरहान अख्तर को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ. अच्छा. He is a very good son of जावेद अख्तर. क्या कभी उनसे आपकी मुलाकात हो ना, तो उनसे कहिएगा कि मुझे लेके फिल्म बनाएं.
अच्छा क्यों क्यों आप में क्या कोई टैलेंट है आप में? कूट कूट के भरा है। आपको पता है मैं भागती हुई भैंस का दूध निकाल सकता हूँ? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये तो हद है। निकाल देता हूँ। बाप रे बाप, भागती हुई भैंस का दूध निकाल दो। इतना डिफिकल्ट है। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या वैसे आपने फालतू की बात की है? अच्छा, जब वो कहावत आई थी कि उड़ती चिड़िया के पर गिन ले जाऊं, तब वो आपको फालतू नहीं लगी। नहीं लगा। मैं जान हथेली पे लेकर भागती भैंस का दूध निकाल रहा हूँ, वो बात इन्हें फालतू लग रही है। अति हो आप, अति। यार गलत बात है यार शर्मा, ऐसा मत किया करो। आई नो व्हाट इज डूइंग। ये क्या यंग टैलेंट को उभरने नहीं दे रहे हैं? वेरी ट्रू। दबा रहे हैं यंग टैलेंट को। आप कहाँ से यंग हैं? मैं बचपन से यंग हूँ। बचपन से यंग हूँ मैं। कभी भी मेरे घर पे मेरे हैप्पी बर्थडे पे आइए। 17 साल वाली कैंडल अभी तक जल रही है। Forever 17. पर मैं एक बात को लेके ना जरा कश्मकश में हूँ। प्लीज हेल्प मी। रवि जी, सोनाली जी, सचिन जी, थोड़ी सी आपकी गाइडेंस चाहिए मुझे। ये दुनिया जो है ना, लोग कहते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है, और हमारा ये जो शो है ये तो 6वें और 7वें दिन पे आता है। क्या हम जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है? अरे वकील साहब, ये तो खाली वैसे मतलब कहने की बात होती है, उसमें क्या? अच्छा, कहने की बात है। हाँ। वैसे ही जैसे ये भी सिर्फ कहने की बात है अर्चना जी कि हमारा शो 9:30 से 11 बजे तक आता है। हाँ। ये भी कहने की बात है क्योंकि असलियत ये है कि हमारा शो 10:45 से 11:30 बजे तक आता है। मैं चाहता हूँ कि शो टाइम पे आए। हाँ। क्योंकि क्या है, आप बात को समझिए, अभी हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं तो अभी बजे हैं 10:30। अब घर पे बैठा हुआ कोई इंसान जो 10 बजे सो गया है, हाँ, उसके लिए मेरा स्टारडम तो 0 हो गया ना। He doesn't know me. I am a nobody. Very wrong. कहाँ है मेरा स्टारडम? अब रिलैक्स होके बैठिए पहले तो। नहीं, आई एम रिलैक्स। देखिए इन चीजों में क्या होता है कि इंसान जो है नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखिए कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। नहीं नहीं, ठीक है, टेक इट इजी। अरे एक मिनट, आई हैव अ ट्रिक। वकील साहब, मैं आपको एक पदवी देना चाहती हूँ। बताइए। हमारे शो का नाम विसल ब्लोअर है ना, ये आपकी जो अभी एक्शन हुई, आप विसल बाउंसर है, मतलब ये बाउंस हो गया। विसल बाउंसर। देखिए। नहीं, लेकिन सही में कायदे से ना, सोनी इज अ गुड प्लेस टू मेक मनी। आई हैव रियलाइज्ड। आप भी सोनी पे, हम भी सोनी पे हैं, सब लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कमाते हैं, वो अलग बात है। पहले क्या है, चैनल ने जब इनको साइन किया तो इन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो पैसे दे दो या खाना दे दो। चैनल बोलता खाना। जब इन्होंने खाना खा के दिखाया, वो कहते नहीं आप पैसे लो। वकील साहब, क्या पैसा पैसा लगा रखा है, सुना नहीं आपने? मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ओ बाबू। कहाँ से ये उठा के लाए? आप ऐसी ना 40 वन लाइनर में आपको सुना सकता हूँ। इट इज वेरी लोनली एट द टॉप। That is why a Ferrari has 2 seats and a bus has 40 seats. छुआ दिल को छुआ? बहुत ज़्यादा। छुआ? छुआ। मज़ा है ना? बड़ा प्यार करता हूँ यार इनसे। बड़ा प्यार करता हूँ। ये पहले भोजपुरी फिल्मों में कट्टा चलाते थे, अब ये सत्ता चलाते हैं। वाह वाह। नहीं मैं, ये पॉलिटिक्स की जो दुनिया है ना, एक बार मैं आपको बताऊं, मैं भी चुनाव में खड़ा हुआ था। फिर क्या, मेरे पीछे वाले ने मुझे डांट दिया कि बैठ जा मोटे, मुझे रवि किशन दिख नहीं रहा। तो मैं बैठ गया। उसके बाद चुनाव में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। होता है। नहीं सर, आप जुड़वा 2 में थे ना? जी। मेरे को ये नाम समझ में नहीं आया। जब जुड़वा है तो 2 तो होंगे ही ना। जुड़वा 1 तो होने से रहा। लेकिन फिल्म अच्छी थी यार, फिल्म बड़ी अच्छी थी, मजा आया मुझे।
बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा था। लेकिन अंकिता जी, आपसे मैं कहना चाह रहा था कि आपको देख के ना मुझे अपने पापा पे बहुत गुस्सा आता है। हैं? क्यों? क्योंकि मेरे जो पापा थे ना, हमेशा कहते थे कि शर्मा जी के लड़के को देख कहाँ आगे बढ़ गया, शर्मा जी के लड़के को देख क्या कर रहा है, शर्मा जी के लड़के को देख। मैं सारी जिंदगी शर्मा जी के लड़के को देखता रह गया और शर्मा जी की लड़की देखो कितनी खूबसूरत निकल आई। मैं कहाँ देखता रह गया, दुनिया आगे बढ़ गई। मैं आपके लिए एक शेर अर्ज कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। आपका आपका और मेरा रिश्ता जैसे मांझा और काइट, आपका और मेरा रिश्ता जैसे मांझा और काइट। टेल मी वेयर इज द पार्टी टुनाइट। वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आज फुल फॉर्म में है वकील साहब आप। हाँ जी, हाँ जी, चलता रहता है, चलता रहता है। क्या पूछ रहे थे आप? करने क्या आए हैं आप? मैं यहाँ पे बहुत कुछ करने आया हूँ दुनिया में वैसे मैं, पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा रवि जी, घुटने का दर्द कैसा है? आए बड़े फिट है, क्यों दर्द है? कोई दर्द नहीं घुटने में, आप शक कर रहे हैं? नहीं, कोई दर्द नहीं है हमारी। तो मेरे घुटने में भी कोई दर्द नहीं है तो फिर हम दोनों बैठे क्यों हैं, डांस क्यों नहीं कर रहे? रवि जी, नॉर्मली तो आप हमेशा हीरोइन लोगों को पूछते हैं, आज आपने रवि बाबू को पूछ लिया। आज जरा भोजपुरी फ्लेवर का जरा वो, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज, देखिए एक माहौल बनेगा और इन लोगों का प्रोमो भी बनेगा। ये भी चलता रहता है, तो आइए हो जाए। बड़ा मजा आया, अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, आपको फिर आना है। बिल्कुल अमेजिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।